तो बस अब से कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग आज होनी है। पहले चरण के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी और यूपी की 8 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 5 सीटें हैं और 5ों पर आज मतदान होगा। प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है, अब जनता की बारी है। जनता को बढ़ चढ़कर मतदान करना है। तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है, थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पूरे देश भर की बात की जाए तो 102 सीटों पर आज मतदान अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है। मतदान की किस तरह की तैयारी है, किस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या कुछ समीकरण बिठाया गया है, इन सब पर दिन भर चर्चा होती रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अपील लगातार कर रहे हैं कि जो मतदाता है वो पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सभी ने यही अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस महापर्व में आप हिस्सा लें, मतदाता जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वहीं उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान हो रहा है। टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, ये तमाम सीटें हैं, काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर आज उत्तराखंड में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी 8 सीटों में जबरदस्त मुकाबला। प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर है। आज ईवीएम में कैद हो जाएगी जब मतदान संपन्न होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं, बिजनौर से निखिल जुड़ गए हैं, देवबंद से उमेश श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और साथ ही सबसे पहले बिजनौर चलते हैं जहां से निखिल जुड़े हुए हैं। निखिल, बताइए इस वक्त आप बिजनौर के कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस समय बिजनौर लोकसभा सीट के मवाना क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर मैं इस समय हूं और मैं आपको इस पोलिंग बूथ की भव्यता दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर चुनाव का पर्व, देश का पर्व, यानी सबसे पहले न्यूज 18 भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वोट डालिए, अपने घर से निकलिए, कुछ ही देर में वोट कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और यहां पर मॉक पोल पूरा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है पूरे के पूरे कॉलेज को, जो मतदाता केंद्र है यहां पर आप देख सकते हैं कि उसको सजाया गया है ताकि लोग आए और वो इस केंद्र को देखें और वहां पर आकर अपने जो मनपसंद कैंडिडेट है उसको वोट करें, जो उन्हें लगता है कि लोकसभा पहुंचाने लायक है उसको वोट करें। हमारे साथ स्वीप कोऑर्डिनेटर भी यहां पर हैं। ये पता है मेघराज जी, क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया आप लोगों ने? ऐसा जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा जी के और मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल जी के निर्देशन में जो है ये 5 बूथ प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए हैं। 2 विधानसभा में इस समय चुनाव है, बिजनौर विधानसभा और मुजफ्फरनगर विधानसभा। इसके लिए एक बूथ ये दिव्यांग बूथ है जिस पर हम लोग खड़े हैं। इसी तरीके से मॉडल बूथ भी बनाया गया है, युवा बूथ भी बनाया गया है और पिंक बूथ भी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बिजनौर लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा और रालोद गठबंधन के चंदन चौहान, वहीं सपा गठबंधन से दीपक सैनी और वहीं बसपा से विजेंद्र चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 17 लाख वोटर उनकी किस्मत का फैसला करेंगे और न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, हर आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे, जो लोग बूथ तक आने से परहेज। एंड देन क्रिएटिंग एमिनिटीज एट द बूथ, लाइट, शेड, रैंप्स, मिनिमम फैसिलिटीज एट एवरी बूथ। सो इट्स ए ट्रेमेंडस एक्सरसाइज started over 2 years back. Also the great technological interventions which are there. So everything is prepared over, say, how much? Roughly 1.86 lakh polling stations to go on the first phase polling with around 16.86 crore voters. So everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station. Sir, how special is this for the world's largest remote eye on India, how the election is conducted? So how do you plan to tackle that? In a most free, fair, peaceful, inducement-free manner and with the largest possible participation of our voters, all alike, old age, young, women, transgender, everybody together coming to vote, enjoying the power of one vote, standing in the queue, everybody alike, equal vote,
and in a truly environment of festival of democracy, Chunav ka parv, as we call it, Desh ka garv. So everybody coming there. That's what is the biggest testament to the greatness of the Indian elections. Sir, how important is the women participation is in this general elections? Tremendous, and we have been focusing on both these very, very meticulously. So large number of young voters have been added. We made an amendment in the act where qualifying dates were made 4 instead of 1 on 1st January of every year. So there are large number of young voters. There are voters in transgenders. It's a truly. तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे, और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम यही चाहते हैं फेयर तरीके से ये चुनाव हो, और इसके लिए वो मतदान को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचे और फिर मतदान करे। चलिए आप बढ़ते हैं एक बार फिर से अपने सहयोगियों की तरफ। मुजफ्फरनगर से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुजफ्फरनगर की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है, बहुत उहापोह की स्थिति है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम लोग यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे अगर फाइट देखने को मिल रही है तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले जरा तैयारी वहां पर दिखा दीजिए, कौन से बूथ पर आप खड़े हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या तैयारी मुकम्मल कर ली गई है ताकि मतदाता आए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। संदीप, हेलो संदीप, आवाज मिल रही है आपको? मैं इस समय मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में हूं, जहां पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहां पे जिला निर्वाचन अधिकारी खुद कंट्रोल रूम की निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मलप्पा जी सीधे कंट्रोल रूम में है और ये कंट्रोल रूम बेहद हाईटेक है। यहां से सभी बूथ कनेक्ट है जहां पे कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि मतदेय स्थल पे जो जो प्रक्रिया हो रही है, कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया की जा रही है, वो यहां से सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी खुद नजर बनाए हुए हैं। और सुबह मॉक पोल टेस्ट हुआ, यानी कि ईवीएम में मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले एजेंटों की निगरानी में मॉक पोल टेस्ट किया गया, जिसका खुद जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। इसके बाद वो सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और यहां पे कंट्रोल रूम में सभी मतदेय स्थल जो कि 1900 के करीब बूथ बनाए गए हैं, सबकी यहां से पल पल की मॉनिटरिंग हो रही, यानी कि मतदान प्रक्रिया कहां पर कैसे हो रही, कहीं पे कोई असुविधा तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसकी पल पल मॉनिटरिंग जिला निर्वाचन अधिकारी खुद कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं पूरे जिला भर में। इसमें यूपी पुलिस के हैं, आसपास जिलों के भी पुलिसकर्मी और साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। लगातार अफसरों का यहां पे मार्च रूट जारी है। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं वो 350 से अधिक हैं, इन पे विशेष नजर रखी जा रही है और वेबकास्टिंग सीधे हो रही है। ये टोटल रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे मतदान केंद्र की। इसके अलावा यहां पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, 18.17 लाख मतदाता आज इनके भविष्य का फैसला करेंगे। 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 9,000 अधिकारी और कर्मचारी आज सुबह से जुटे हुए हैं और कल देर रात तक व्यवस्था की गई। सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल टेस्ट शुरू हुआ है, वहीं 7 बजे से मतदान होगा। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए इस बार खास सुविधा थी, उनको घर से मतदान करने की सुविधा है। इसके अलावा दिव्यांग या दृष्टि बाधित लोग हैं, वो अपने घर के एक सहायक को मतदान केंद्र पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए रैंप की भी व्यवस्था की गई, साथ ही मतदान स्थल पर पेयजल समेत तमाम मतदाताओं के सुविधाओं को ध्यान में रखते व्यवस्था की गई है। यानी कि कह सकते हैं कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2019 की बात कर ले तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार समीकरण काफी ज्यादा बदले हैं, तो क्या असर समीकरण का होता है ये देखना होगा 4 जून को। अब चलिए आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, हरिद्वार में भी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है इस बार, हालांकि बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेफ सीट है, लेकिन अभी पोलिंग बूथों पर क्या तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में इलेक्शन करवाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए कई बार बड़ी चुनौती भी होता है।
बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटें हमें पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के पास है, उसमें हरिद्वार सीट भी शामिल है। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार पूरी तरीके से मैदानी जिला है और देहरादून के जो 3 विधानसभा क्षेत्र भी इसमें आते हैं, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, वो भी आप कहेंगे कि मैदान का क्षेत्र है जहां पर ऐसी दिक्कतें फिलहाल नहीं है। मौसम अभी ठीक है, हालांकि सुबह थोड़े बादल जरूर छाए थे तो इस बात की आशंका थी कि अगर बादल छाएंगे और बारिश की अगर संभावना बनी तो लोगों के लिए जरूर चैलेंज हो सकता है, लेकिन अब फिलहाल मौसम यहां पर साफ होता दिख रहा है। हरिद्वार की आपने बात की तो हरिद्वार लोकसभा सीट 2 बार से यहां पर सांसद बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक रहे, उनका इस बार टिकट कटा है, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। जो बात आपने कही कि 2019 में और 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, उनके सांसद यहां से चुने गए, लेकिन इस बार कुछ स्थितियां दूसरी इस लिहाज से जरूर है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही थी। हालांकि बाद में पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही, तमाम नेताओं को तोड़ने की यहां पर बीजेपी ने कोशिश की, बीजेपी को उसमें सफलता भी मिली, लेकिन क्या बीजेपी को वो वोट मिलेगा? कांग्रेस के लिए चैलेंज यह है कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री, अकेले एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री बचे हैं हरीश रावत, उनके बेटे यहां पर उम्मीदवार हैं, तो क्या जो यहां सांसद भी रह चुके हैं हरीश रावत 2009 में, तो क्या हरीश रावत के नाम पर, क्या कांग्रेस के नाम पर यहां पर वोट आएगा? कांग्रेस के 5 विधायक यहां पर है, तो 5 विधायकों ने क्या जमीन पर इतनी तैयारी की है? क्या मोदी वर्सेज कांग्रेस में जहां कोई फेस नजर नहीं आता हरीश रावत के नाम पर यह चुनाव रहा? 21 दिन तक हरीश रावत ने लगातार अपने बेटे के लिए यहां पर कैंपेनिंग की है और हरिद्वार वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, यह अकेली एकमात्र सीट है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो अगर ध्रुवीकरण की सूरत बनी तो क्या मुस्लिम वोटर यहां पर कांग्रेस के साथ जाएगा? और हरीश रावत की एक चिंता यहां पर और भी अपने बेटे को लेकर, वो ये कि बीएसपी ने यहां पर जिसे उम्मीदवार बनाया वो मुस्लिम उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद है, तो अगर मुस्लिम और दलित वोट मुस्लिम चेहरे के पीछे जुड़ा तो कांग्रेस को यहां पर लॉस होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करें, कांग्रेस के अगर कैडर की बात करें, तो इस सीट पर कांग्रेस कम से कम मजबूत नजर आती है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक अच्छा फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। और बीएसपी के 2 विधायक यहां पर है, हालांकि एक ही डेथ यहां पर अक्टूबर 2023 में हुई थी सरबत करीम अंसारी की, उस सीट पर अभी उपचुनाव हो रहा है, तो बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी 4 सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन हरिद्वार एकमात्र सीट है जहां पर बीएसपी का भी एक अपना होल्ड है, बीएसपी का वोट बैंक है। उत्तराखंड बनने के बाद बीएसपी के विधायक जिले से बार बार चुन के आए, इस बार 2 विधायक यहां पर बीएसपी के, तो हरीश रावत के बेटे क्या संसद में पहुंचेंगे? और खास बात है कि हरीश रावत का वोट और उनके बेटे का वोट इसी सीट पर है, तो हरीश रावत 9:30 बजे वोट डालेंगे और इस बार अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए वोट डालेंगे, वो भी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है इस सीट पर और अब 7 बजे का सीट है दीपांकर हरिद्वार की और बहुतों के साथ यहां पर दाव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखना होगा कि इस लोकसभा में क्या 5 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में एक बार फिर से जाती है, इस पर तो हमारी नजर रहेगी, बातचीत होती रहेगी पूरे दिन भर इस सीट को लेकर भी। देवबंद से इस वक्त उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, देवबंद का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुकाबले से पहले मतदान की किस तरह की तैयारी वहां पर है वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए और दिखा भी दीजिए। जी हाँ, देखिए सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राघव लखन पाल, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, तो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं माजिद अली। यहां त्रिकोणीय फाइट देखने को मिल रही है और सारी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली गई हैं, सारी अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, और कुछ लोगों का आना भी यहां पर शुरू हो गया है। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं, आप ये बताइए क्या कहेंगे आप लोग, यहां पर आ चुके हैं, 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, कितना खुश है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, आज उत्साह के साथ मतदान करना है सभी को, हम पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, क्या प्रिपरेशन है, सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त किए गए? कोई अराजकता नहीं होगी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है, हमारी व्यवस्था चौक चौबंद है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ क्या राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी वोट कास्ट करने के लिए आएंगे? आने की संभावना पूरी है। ओके,
आप देखिए यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए गए हैं और मतदान कर्मी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कई सेंटर्स यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर पर हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महाउत्सव है। हम कुछ और मतदान कर्मियों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर लगातार बैनर्स यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पुरुष की लाइन है या स्त्री की लाइन है। मैडम आप क्या कहेंगी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, कितना उत्साहित है मतदान कर्मी, आप लोग कितना उत्साहित है? मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग ये पोस्टर्स लगा रहे हैं कि भाई ये पुरुष की लाइन है, ये महिलाओं की लाइन है, क्या कहेंगी? नहीं, लाइन तो महिलाओं की है लेकिन मैं कर्मचारी हूँ। आप कर्मचारी हैं लेकिन फिर भी कितना उत्साहित हैं आप लोग, बताइए क्या कहेंगे? उत्साह है पर ये जो है मीडिया आप और लोग, तो आप देख रहे हैं किस तरह से सारे मतदान कर्मी बेहद उत्साहित हैं और अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारी प्रिपरेशन फुल प्रूफ कर ली गई हैं। अंदर हम दाखिल होते हैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पीठासीन अधिकारी भी बैठे हुए हैं और सारी प्रिपरेशन यहाँ पर की ली गई। इधर की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक की, किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और सहारनपुर में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जितने भी आलाकमान है सब यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी सभाएं की। आप देखिए कि मतदाताओं को आना शुरू हो गया है, महिला देखिए मतदान करने के लिए आई हुई है, अपने हाथ में ये सारे कागज लेकर के आई हुई है। आप क्या कहेंगी, मतदान करने के लिए आई है? हाँ। वोट डालने के लिए आई है? वोट खुश है कि आज जो है वोट पड़ने वाला दिन है, जनता का दिन है आज? हाँ। बहुत खुश है। और तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाबूजी वोट डालने के लिए आए हैं, अपने मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत त्योहार वाला दिन है, क्या कहेंगे मतदान को लेकर, कितना उत्साहित हैं आप? हाँ जी, कितना उत्साहित हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे बाबूजी, आज मतदान का दिन है, आज उत्साह का दिन है, मतदान करना है, सभी से क्या कहेंगे कि भाई मतदान जरूर करना है? हाँ जी, मतदान जरूर करना जी। आप मतदान करने के लिए आए? हाँ जी। कौन से गांव है? जड़ौदा जट गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए पर्ची लेकर लोगों से लोगों को सीखना चाहिए कि मतदान कितना जरूरी है। निकले ये होंगे अपने शायद मॉर्निंग वॉक के लिए, ये तो सबसे पहले चलो जैसे ही मतदान शुरू होगा वैसे हम मतदान करेंगे और सबको हम यही कह रहे हैं कि आप घरों से निकलिए, मतदान करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, ये बहुत जरूरी है मतदान। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर वोट की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। तो आप देखिए जो तमाम दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, तमाम लोग हैं, यही कहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सबसे यही अपील की है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए आप मतदान जरूर करें, वोट जरूर डालें। तो इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया था, उन्होंने भी जनता से अपील की थी कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लोकतंत्र के महापर्व में। और अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है और सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप मतदान जरूर करें। मुजफ्फरनगर में वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बूथों तक वोटर्स का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर रात भर तैयारियां चलती रही। मैं इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के छोटूराम डिग्री कॉलेज, जहां पर 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर मतदान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो पीठासीन अधिकारी हैं या अन्य स्टाफ है वो मशीन के इंस्टॉलेशन को लेकर काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये ईवीएम है और उसके अन्य पार्ट्स हैं जिनका अभी इंस्टॉलेशन किया जाएगा और 5:30 बजे इसकी मॉक ड्रिल होगी एजेंट के सामने। अगर कोई दिक्कत होगी तो एजेंट अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और यहाँ मौजूद स्टाफ उन दिक्कतों को दूर करेगा। वहीं मतदान की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे लोग मतदान कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको लेकर हम यहाँ के पीठासीन अधिकारी से ही बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सैनी। क्या क्या प्रक्रिया होनी है, अभी तैयारी शुरू हो गई? अभी मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे, एजेंट वगैरह आएंगे जो उनके सामने मॉक पोल जो होता है उसकी 5:30 बजे वो शुरू हो जाएगा। मॉक पोल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या जो एजेंट है इस बात का जिक्र करते हैं? हाँ, उनके सामने दिखाते हैं हम के मतलब मशीन खाली है, किसी को कोई वोट नहीं है इसमें। तो
अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद इसके बाद मतदान कितने बजे से शुरू होगा? 7 बजे, वास्तविक मतदान 7 बजे शुरू होगा। कितने बजे तक चलेगा? शाम 6 बजे तक। यहाँ पे 5 बूथ बनाए गए हैं, क्या महिला पुरुष सबके अलग अलग हैं? हाँ, हर अलग अलग लाइनें होती हैं हर बूथ में महिला पुरुष की। मतदान के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, कि मतदाता कौन से दस्तावेज लेके आए जिससे बूथ पे बिना किसी व्यवधान के वो मतदान कर सकेगा? आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बिजली का बिल वगैरह कोई भी हो तो पहचान, उससे वोट डाल सकते हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए कोई विशेष ध्यान रखना है? हाँ, उनके लिए, उनके साथ जो उनके घर के सदस्य हैं वो आ सकते हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी मतलब मदद कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मतदाता हैं जिनके हेल्प के लिए उनके घर का कोई सदस्य रह सकता है, जैसे कि बुजुर्ग आपने बताया, और भी कोई है? विकलांग है कोई, मतलब अंधे हैं, असक्त हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके साथ आ सकते हैं। क्या कुछ? और नैनीताल लोकसभा सीट पर कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। नैनीताल सभी मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं और सुबह मॉक पोस्ट भी किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुछ देर में शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं कि 100 नंबर बूथ है नैनीताल स्टेडियम में बना हुआ और मतदान की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। मॉक पोल अभी कराया गया है और इसके अलावा लगातार जो पीठासीन अधिकारी हैं या जो मतदान अधिकारी हैं वो इस तरह से यहां पर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कुछ देर में जो मतदान है वो उस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ठीक 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया है और इस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं। हालाँकि जिस तरह से मतदान को लेकर उत्साह भी इस बार है तो उसको लेकर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। सर, किस तरह से तैयार हैं आप और कितनी देर में अभी मतदान शुरू कर दिया जाएगा? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मतदान 7 बजे प्रातः शुरू कर दिया जाएगा। जो तैयारियां हैं खास तौर पर मॉक पोल होता है या इस तरह की चीजें हैं उन वो हो गई हैं या अभी होनी हैं, किस तरह से? मॉक पोल की तैयारियां हो गई और मॉक पोल हो भी गए हैं, समाप्त हो गए मॉक पोल। कितने बजे तक पूरा मतदान होगा? 5 बजे तक सर। तो जो अधिकारी हैं वो इस तरह से पूरी तरीके से लगे हैं, ईवीएम को सेट किया जा रहा है, मॉक पोल की कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो मतदान की प्रक्रिया है उसको ठीक 7 बजे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने बूथ पर आके करें और इसके अलावा जो लोग हैं वो स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छी सरकार चुनने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं, वो भी अपील की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दिन बढ़ेगा तो जो लोगों की भीड़ है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगी और अपनी सरकार चुनेगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उमेश हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। उमेश, अब देखिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, सिर्फ कुछ मिनट बाकी है जिसके बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? जी हाँ, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व आज है, त्योहार आज है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों की कतार यहाँ लग गई है। 7 बजने वाले हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लोग अपने अपने हाथ में अपने अपने कार्ड्स लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने वोटर आईडी कार्ड्स को भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह का जोश, जज्बा, जुनून, उत्साह, उमंग, उल्लास यहाँ पर देखा जा रहा है और ये तस्वीर बताती है, लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर है। 7 बजने वाले हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और यहाँ की तस्वीर बताती है कि किस तरह से बुजुर्गों में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। महिलाओं की कतार अलग लग चुकी है, पुरुषों की कतार अलग लग चुकी है, तो यकीनन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हमारे देश में लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जाता है। सब अपने अपने कागजात दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दिखा दीजिए सभी लोग एक साथ कि किस तरह से यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे बाबूजी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आप वोट डालने के लिए यहां आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि 7 अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं, चंद मिनट शेष रह गए हैं, लेकिन आप लोग आधे घंटे पहले ही यहां पर आ गए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बहुत खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुशी है जी, आज बहुत बड़ा दिन है आज। हाँ जी, अपने नए सांसद को चुनने का दिन है और सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। सबके मतदान जी, अब कुछ की बात है जी भाई, आज कौन आ रहा है आना चाहिए मतदान करने के लिए। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, कितनी खुशी का दिन है आज और क्या सोच करके मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या होना चाहिए देश के लिए, क्या सोचते हैं, क्या आप अपने देश के लिए, अपने सांसद के लिए क्या सोचते हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है?
सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए। आप बाबू जी क्या कहेंगे, मतदान करने के लिए आए हुए हैं आप, अपना वोटर आईडी कार्ड लिए हुए हैं, आधार कार्ड यहाँ पर लिए हुए हैं, और बहुत खुशी का दिन है, बहुत त्योहार का दिन है आज, समझिए होली दिवाली दशहरा सब आज ही हो गया, बहुत खुश है आज। बहुत कहेंगे, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया होगा, देश के लिए, विकास के लिए। हाँ जी बढ़िया होगा, देश के लिए सांसद चुनना है, अच्छी सरकार के लिए सांसद चुनना है। हाँ जी हाँ। आप बाबू जी क्या कहेंगे, आप सारे कागज लेकर के खड़े हुए हैं, ये वोटर आईडी कार्ड आप लेकर के खड़े हुए हैं, और ये पर्ची लेकर के खड़े हुए हैं, अब देखिए यहाँ पर लोगों को चाय वाय भी पिलाई जा रही है, महिलाएं चाय वाय लेकर के भी आई हुई है, देखिए ये तस्वीर है, ये खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की, किस तरह से यहाँ पर मतदाताओं का भी ख्याल रखा जा रहा है, हमको भी चाय ऑफर की जा रही है और लोगों को चाय पिलाई जा रही है, आदर्श मतदान केंद्र है और मतदान शुरू होने में चंद मिनट शेष रह गए हैं और सारी तैयारियां, ईवीएम तैयार है, मतदाता तैयार है, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के ये खूबसूरत तस्वीर जरा दिखाइए कि कैसे यहाँ पर सभी कतार, लंबी कतार लग चुकी है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आप भी बताइए क्या कहेंगे, कितनी खुशी का दिन है, कितनी खुशी का लम्हा है आज। अच्छा, क्या सोच करके वोट डालेंगे अपना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से वोट डालेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या सोच करके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा सांसद चुनना है जी, और क्या मुद्दे हैं इस बार का, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रहे हैं? जी सरकार काफी बढ़िया है, भाजपा की सरकार जो है अपने हिसाब से चुनेंगे। आप क्या कहेंगे, चाय पी रहे हैं और मतदान करने के लिए चुस्कियां लेते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए मतदान का आनंद लिया जा रहा है ना, मतदान का आनंद लिया जा रहा है, ये त्योहार है, सबको मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, ये त्योहार है, ये महापर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है उमेश, और आज इसे मनाने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, वहां पर कुछ देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा और न्यूज 18 लगातार इस कवरेज को दिखाता रहेगा आज पूरे दिन, किस तरह से, कहां पर, कितना मतदान हुआ। और चलिए अब बात करते हैं न्यूज 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ ना गवाएं, ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिसे कोई मुश्किल भारत के सामने ना हो पाए, एक ठोस भारत के निर्माण में अपना योगदान जरूर दे। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। तो न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड, देश सॉलिड से, तो देर किस बात की है, जुड़िए हमारे साथ क्योंकि देश बनेगा सॉलिड आपके वोट से, जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश, #वोट सॉलिड देश सॉलिड।